कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते अपने लाइफस्टाइल में, तो अगर वो नहीं करते हैं तो उनकी बीमारी कोई ज्यादा सीरियस बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी ऐसा इन्फेक्शन कोई सीरियस मोड़ ले ले, बट हाँ अगर किसी इन्फेक्शन को या कोई सिम्टम को अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो कभी कभी ये इन्फेक्शन या सिम्टम्स कोई बड़ी या गंभीर समस्या का रूप ले सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम कुछ होम रेमेडीज पे फोकस कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा नहीं तो 30 मिनट्स की सुबह ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं, इतना भी सफिशियंट है, या फिर गर्म पानी के गरारे आप कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। थोड़ा बहुत सिम्टम्स नजर आते हैं कफ के कोल्ड के, तो स्टीम बहुत अच्छे से हेल्प करती है। या फिर कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं च्यवनप्राश, इसको आप रेगुलर यूजेज में ला सकते हैं। 1 चम्मच च्यवनप्राश ऊपर से कुछ गुनगुना अनुपान, जैसे गुनगुना पानी या गुनगुना दूध, बहुत हेल्पफुल है।